है। और ये खबर आपको बता दूं कि अमेठी से आ रही एक स्टेटमेंट आया है अभी हमारे पास, और ये बड़ी खबर है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आज भाषण दिया था नरेंद्र मोदी का, उसके बाद प्रियंका गांधी के नाम से ये स्टेटमेंट हमें भेजा गया, जिसमें कहा गया कि इन्होंने अमेठी के धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है, अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी, इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे, अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा, पीजीवी यानी प्रियंका गांधी वड्रा। आज प्रियंका ने कुछ हम लोगों से मुलाकात की थी प्रेस वालों से, उसके बाद वो ऑन रिकॉर्ड बात भी करने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम सीधे उमा शंकर के पास चल सकते हैं जो कि अमेठी में ही मौजूद है। उमा शंकर, ये प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आपके पास भी आया होगा, आज आपको इंतजार था कि नरेंद्र मोदी की रैली के बाद एक जवाब गांधी परिवार से तो आना ही है। जी बिल्कुल मनोरंजन, देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज मंच से राहुल गांधी के गुस्से वाली बात पर कि मुझे में गुस्सा नहीं है, मोदी में गुस्सा है, उस बयान के आलोक में जो बातें गिनाते हुए वो राजीव गांधी तक गए और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने चीफ मिनिस्टर को बहुत भला बुरा कहा था, वहां से बात उन्होंने शुरू की और 3 पीढ़ियों तक की बात उन्होंने कही और काफी कुछ मंच से बोला। हालांकि वो बार बार ये भी कहते रहे कि वो कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहते, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि माँ बेटी की सरकार, माँ बेटी की जो सरकार है वो जाने वाली है। हर तरह से उन्होंने गांधी परिवार को निशाना साधा है और खासतौर पर जिस तरह से राजीव गांधी नाम का इस्तेमाल किया, उसके बाद से ही प्रियंका गांधी की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो मैसेज के जरिए आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने शहीद पिता का अपमान किया है और उनकी हरकत का जो जवाब है, उनकी नीच राजनीतिक हरकत का जो जवाब है वो अमेठी के जो कार्यकर्ता है वो देंगे, बूथ पे जो मतदाता है वो जाकर देंगे। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी ने इसको गंभीरता से लिया है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में, आज की चुनावी रैली में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, हालांकि ये भी आरोप है कि बहुत सारी बसें जो है वो आसपास के जिलों से लाई गई थी और जो भीड़ की तादाद है वो ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई थी ताकि गांधी के गढ़ में लगे कि अब जो है भगवा फहरा रहा है। तो इस तरह के विवाद हैं, इस तरह की बातें हैं। उस बीच जिस तरह का भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने, उस पर प्रियंका का ये पलटवार है। मनोरंजन, ऐसा पहली बार नहीं है कि जो बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है अमेठी रायबरेली आया हो। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी भी रायबरेली आ चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी आ चुकी हैं, सुषमा स्वराज भी रायबरेली अमेठी आ चुके हैं, प्रमोद महाजन आते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जो प्रियंका का बयान अभी आया है, उन्होंने अपने शहीद पिता से जोड़ करके एक चुनाव के एक दिन पहले एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है कि जनता अब इसका जवाब देगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के बयान दिए गए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से रैली में, जिस तरह का संबोधन था और उसमें एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि ये कहा जा रहा है कि मेरे पिता ऐसे थे और मेरे पिता के नक्शे कदम पे यानी राजीव गांधी के नक्शे कदम पे राहुल गांधी चल रहे हैं, इस तरह की बातों का हवाला देते हुए मोदी ने अपनी बातें कही। और जाहिर सी बात है कि जो गांधी परिवार एक प्यार का रिश्ता बताता है अमेठी से, एक भावनात्मक रिश्ता बताता है, पुराना रिश्ता बताता है, तो उस परिवार को कहीं ना कहीं ये बात चुभी और अपनी उस भावनात्मक जो लगाव है अमेठी से या जिसकी वो बात करते हैं उसको उभारने के लिए और उसको तरजीह देते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। तो राजनीति भी है इसमें, भावनाओं का जुड़ाव भी है इसमें और कहीं ना कहीं जिस तरह के हमले हुए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका भी जवाब देने की कोशिश की गई है। मनोरंजन, क्या आपको उमा शंकर ऐसा नहीं लगता कि ये जवाब जो है राहुल गांधी के भी तरफ से आ सकता था, लेकिन चूंकि प्रियंका को मीडिया बहुत पसंद करता है, बहुत फ्रेंडली है, लोगों से बहुत घुलती मिलती है, इसलिए एक 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 रणनीति के तहत ये बयान प्रियंका गांधी से दिलवाया गया? जी बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी जो है उनकी इलाहाबाद और दूसरी जगहों पे रैली थी और अमेठी में वो आज उनकी मौजूदगी कम थी, प्रियंका देर शाम तक यहीं पर थी और उनकी तरफ से जो ये बयान आया है उसको इस आलोक में भी देखा जाना चाहिए कि किस तरह से पीछे एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि नरेंद्र मोदी ने एक बेटी के नाते, हालांकि बाद में वो बात गलत साबित हुई, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे कि बेटी, उन्होंने कहा था कि ये बेटी है और बेटी को हक है कि माँ भाई के लिए काम करे, तो उस आलोक में देखें तो यहाँ पे जो एक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वड्रा हो गया था
और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के बयान का सीधा जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से आया है, राहुल गांधी की तरफ से नहीं। वैसे भी वक्त कम है, प्रचार का जो काम है वो खत्म हो चुका है और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है पलटवार करने के लिए, तो फौरी तौर पर प्रियंका को आगे आना पड़ा इस बयान के जवाब में, और वही उन्होंने किया एक संदेश के जरिए, एक मैसेज के जरिए ये बातें अपनी कही हैं। मनोरंजन।